हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास के चैप्टर प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। उस शाही जो जोड़ा था राजा रानी, उसके कितनी बेटियां थी। द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। वो जो शाही जोड़ा था उसके 9 बेटियां थी। वाई वर द नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। उन सब का नाम जो है वर्ष के जो महीने होते हैं उनके अनुसार क्यों रखा गया। देवर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल देयर नेम्स इजीली। उन सब लड़कियों का जो नाम है वर्ष के जो महीने होते हैं उसके अनुसार रखा गया, क्योंकि रानी जो है आसानी से उनके नाम याद नहीं रख पाती थी। द किंग हैड ए पिक्यूलियर हैबिट, वॉट वॉज इट, वाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर। राजा की एक विशेष आदत थी, वो क्या थी और इसे विशिष्ट या अलग क्यों कहा गया है। द पिक्यूलियर हैबिट ऑफ द किंग वॉज टू गिव गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीव देम। राजा की विशिष्ट या अलग आदत ये थी कि वो अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट लेने के बजाय दिया करते थे। यूजली पीपल गेट गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। सामान्यतः ऐसा होता है कि लोग अपने जन्मदिन पर बर्थडे गिफ्ट लेते हैं ना कि देते हैं। व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट। प्रिंसेस सितंबर का जो पैरेट मर गया था उसके नुकसान पे उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। प्रिंसेस सितंबर टुक द लॉस ऑफ हर पैरेट टू हार्ट। प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया, इस पैरेट के खोने को बहुत बड़ा दुख माना और अपने दिल से लगा लिया। शी वेप्ट कंटिन्यूअसली, वह लगातार रोती रही। शी वॉज पुट टू स्लीप विदाउट सपर, और उसे रात्रि में किसी प्रकार का भोजन दिए बिना सुला दिया गया। व्हाट वॉज हर मदर्स रिएक्शन टू इट, और उसकी मदर का इसके लिए क्या प्रतिक्रिया थी। हर मदर सेड दैट प्रिंसेस सितंबर्स वीपिंग वॉज सिंपली नॉनसेंस। उसकी मदर ने यह कहा कि प्रिंसेस सितंबर का जो ये रोना है ये फालतू की बात है। शी आस्क्ड द मेड्स टू पुट द चाइल्ड टू स्लीप विदाउट सपर। उसने कहा उसकी नौकरानियों से कि उसे बिना किसी खाने के सोने के लिए भेज दो। व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं इस घटना के बाद इन दोनों के स्वभाव के बारे में क्या बताती है। द प्रिंसेस वॉज वेरी सिंपल हार्टेड एंड सेंसिटिव। जो राजकुमारी जो थी बहुत ही नर्म दिल वाली और बहुत ही भावनात्मक स्वभाव वाली थी। शी वॉज स्ट्राइकन विद ग्रीफ व्हेन हर पैरेट डाइड। वह अपने पैरेट के मरने पे दुख से घिर गई थी। बट द क्वीन मदर वॉज नॉट मूव्ड एट ऑल। लेकिन जो रानी माँ है वो इससे किसी प्रकार से दुखी नहीं हुई। शी हैड नथिंग टू कंसोल द चाइल्ड, और उन्होंने किसी प्रकार से अपने बच्चे को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। उनके पास कुछ भी अपने बच्चे को सांत्वना देने के लिए नहीं था। व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। प्रिंसेस जो है अपने दुख से किस प्रकार से बाहर निकली। द कमिंग ऑफ ए लिटिल सिंगिंग बर्ड इन टू हर रूम कम्फर्टेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है उसके रूम में एक छोटा गाने वाला पक्षी आया, इसी कारण से वो अपने दुख को भूल गई। She was so enchanted that she forgot about her loss. वह उसमें इतनी खो गई कि वो अपने दुख के बारे में भूल गई। How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends? उन नौकरानियों को कैसा पता लगा कि राजकुमारी सितंबर और ये पक्षी है वो बहुत घनिष्ठ दोस्त बन गए हैं। The maids of honor brought in the princess breakfast. Maids of honor जो है नौकरानियां जो है वो राजकुमारी का ब्रेकफास्ट लेके आई। द सिंगिंग बर्ड एट राइस आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड एंड देन सेंग स्वीटली। वो जो गाने वाला जो पक्षी था उसने राजकुमारी के हाथों से चावल खाए और फिर प्यारा सा गीत गुनगुनाने लगा। द मेड्स वर सरप्राइज टू फाइंड सितंबर सो मच हैप्पी, और ये नौकरानियां बहुत चकित हुई राजकुमारी सितंबर को इतना खुश देख के। दे वर कन्विंस्ड दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, और वह समझ गई कि ये दोनों जो है बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरेट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से। नया जो पक्षी था उसके पास नए नए गाने थे, परंतु पुराने जो पैरेट्स थे वो हमेशा एक ही चीज को रिपीट करते थे, वो क्या कहते थे। द ओल्ड पैरेट्स ओनली रिपीटेड व्हाट दे हैड बीन टोल्ड।
ओल्ड पैरेट्स वही चीजें दोहराते थे जो उन्हें सिखाया गया था। दे कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, वो केवल यही कह पाते थे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए, एंड प्रिटी पोली, पोली बहुत सुंदर है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कह पाते थे। व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, राजा की अपने सलाहकारों के बारे में क्या दृष्टिकोण था, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, और उसने इस प्रकार का दृष्टिकोण क्यों बनाया। द किंग हैड ए लो ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स बिकॉज लाइक पैरट्स दे टू रिपीटेड द सेम थिंग डिफरेंटली, राजा की अपने सलाहकारों के बारे में बहुत ही निम्न सोच थी क्योंकि वह भी तोतों की तरह एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीकों से दोहराया करते थे। द एट प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट, आठ राजकुमारियों ने प्रिंसेस सितंबर को एक ऑफर दिया, व्हाट वाज इट, वो क्या था। दे ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सितंबर टू बाय अनदर पैरट, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को अपनी पॉकेट मनी ऑफर की ताकि वो एक नया पैरट खरीद सके। व्हाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, तुम्हारे नजरिए से उन्होंने ऐसा क्यों किया। दे डिड दैट बिकॉज दे फेल्ट जेलस ऑफ द सिंगिंग बर्ड फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सितंबर, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो प्रिंसेस सितंबर की उस गाने वाले पक्षी से जो दोस्ती थी उससे बहुत अधिक जलते थे। What did the sisters advise the princess to do about her bird? उन बहनों ने अपनी प्रिंसेस सितंबर को उस पक्षी के बारे में क्या सलाह दी। The sisters advised the princess to put the little bird into the cage lest it should fly away forever. सिस्टर ने प्रिंसेस सितंबर को ये सलाह दी कि अपने छोटे पक्षी को पिंजरे में बंद कर लो ताकि ऐसा न हो कि वो हमेशा के लिए दूर उड़ के चला जाए। In the following sentences, elaborate the parts given in bold. ये sentence दिए गए हैं, उसमें bold जो words हैं, उनको हमें विवरण बताना है। Under the circumstances, पहला ये है, it was a very unfortunate remark for the bird to make. दूसरा है, very unfortunate remark. इसका जवाब है, the circumstances was that the bird hadn't come back because of the party at his father-in-law's house. परिस्थिति ये थी कि वो पक्षी इसलिए नहीं लौटा था क्योंकि उसके फादर इन लॉज हाउस में, उसके ससुराल में एक पार्टी थी। द प्रिंसेस वाज नेचुरली वरीड, और स्वाभाविक रूप से वो प्रिंसेस जो है वो चिंतित हो गई थी। द रिमार्क ऑफ द सिस्टर्स एडेड टू हर वरी, और वो जो रिमार्क उनकी बहनों ने दिया था उसके कारण से उसकी चिंता बढ़ गई थी। व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट, अपने पक्षी की सुरक्षा के लिए प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया। प्रिंसेस सितंबर पुट द बर्ड इनटू अ केज टू इंश्योर हिज सेफ्टी, प्रिंसेस सितंबर ने अपनी पक्षी की सुरक्षा के लिए उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, उस पक्षी ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी। द बर्ड डिसलाइक्ड हिज इम्प्रिजनमेंट, पक्षी को ये कैद पसंद नहीं आई। ही स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने गाना बंद कर दिया। व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज, वो पक्षी जो है पिंजरे के अंदर बाहर घूमने से मना क्यों करने लगा। द बर्ड सेड दैट ही वोंट बी रियली हैप्पी एंड नॉर्मल इफ ही वाज टेकन आउट इन हर केज, पक्षी ने ये कहा कि वो खुश नहीं रहेगा और सामान्य नहीं रहेगा उसे अगर पिंजरे में ही बाहर घुमाया गया। द राइस फील्ड्स एंड द लेक लुक क्वाइट डिफरेंट एंड डल व्हेन सीन थ्रू द केज बार, उसने कहा ये चावल के खेत और ये झील और ये प्रकृति का नजारा जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है जब इसे पिंजरों के अंदर से देखते हैं। What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? Princess September जो है उस पक्षी को आजादी देने के लिए किस कारण से राजी हुई। The princess freed the bird lest he should die in captivity. प्रिंसेस ने उस पक्षी को मुक्त कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये पक्षी इस कैद में मर जाएगा। How did the bird react to it? पक्षी की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? The bird opened his wings and flew away. पक्षी ने अपने पंख खोले और वो उड़ गया। Princess September kept her window open day and night. Princess September अपने खिड़की को दिन रात खुला रखती थी। How did it help the bird? इससे पक्षी को क्या सहायता मिली? The princess kept the window open so that the bird might fly in and out, making fresh air charming. Princess ने अपनी खिड़की को इसलिए खुला रखा ताकि पक्षी कभी भी अंदर बाहर आ जा सके और ताजी हवा को आनंददायक बना सके। Freedom helped the bird to sing and enjoy himself.
इस आजादी ने उस पक्षी को गाने के लिए और आनंद लेने के लिए मुक्त कर दिया। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ, और इससे प्रिंसेस को क्या सहायता मिली? इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग हर फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट। इससे प्रिंसेस को ये सहायता मिली कि उसे ताजा हवा मिली और प्राकृतिक रूप से रोशनी उसे मिली। इट हेल्प हर मेक हर ब्यूटीफुल, और इसने उसे बहुत अधिक सुंदर बना दिया। द एट सिस्टर्स केप्ट देयर विंडो शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम। आठों बहनें अपनी खिड़कियां बंद रखती थी, इससे उन पे क्या प्रभाव पड़ा? द एट सिस्टर्स हु केप्ट देयर विंडो शट ऑन लाइट बिकेम एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीएबल। आठों जो बहनें थी जो अपनी खिड़कियां बंद रखा करती थी, वो बहुत ही भद्दी और अजीब बन गई। दे वर मैरिड टू द काउंसलर्स, और उनकी शादी सलाहकारों से कर दी गई। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।